प्रत्यलीडपदाम सदैव धडाधीम चिन्नम शीरकर्तृकाम दीघवस्त्राम श्वाकवंद शोनित सुधाधाराम पिबती नमुदा। प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष विभिन्न आश्चर्य तथा चमत्कारी मंदिरों से समृद्ध है और आज हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण तथा आश्चर्य मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में अवस्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे अहम सिद्ध पीठ और दूसरे अहम शक्तिपीठ है। ये है राजरप्पा माता छिन्नमस्तिका का मंदिर। रमणीक स्थान है, जयति जय जयकार होते रहता है, बालयति पचासों गांव का पालन पोषण होता है, इसी का नाम राजरप्पा है। तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ पे देखने लायक क्या क्या है और क्या है इस मंदिर के महत्व, राजरप्पा से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। राजरप्पा मंदिर रांची सिटी से लगभग 80 किलोमीटर, बोकारो सिटी से 70 किलोमीटर और रामगढ़ कंटेनमेंट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो नजदीक का रेलवे स्टेशन है रामगढ़ कंटेनमेंट और बाई रोड ये जगह रांची, रामगढ़ और बोकारो जैसे शहरों से वेल कनेक्टेड है। और अगर फ्लाइट से आना है तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची है यहाँ से नजदीक का एयरपोर्ट। तो अब बताते हैं हम लोग कैसे पहुंचे। रात के करीब 9 बज रहे थे जब हम लोग कोलकाता से निकले, NH2 पकड़ के धनबाद क्रॉस किए, फिर लेफ्ट टर्न लेकर बोकारो सिटी को बाईपास करते हुए जब हम लोग राजरप्पा पहुंचे तब लगभग सुबह होने वाला था। पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के पास, गाड़ी हमारे पार्क किए है बाहर और ये मतलब एक आश्रम पे अभी रुके हैं, एक रूम लिए है बस यहाँ पे फ्रेश होने के लिए। ये पीछे राजरप्पा मंदिर के पीछे जो नदी है, नदी के दूसरे तरफ है ये आश्रम। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ, बाहर काफी भीड़ है क्योंकि संडे है। मेरे सामने दाहिने तरफ ये मंदिर के मुख्य द्वार तथा सिंह द्वार है। यहाँ आसपास हर तरफ ऐसे पूजा सामग्री के दुकानें मिल जाएंगे आसानी से, जिनसे आप पूजा सामग्री खरीदोगे वहाँ आपको गाड़ी पार्क करने का सुविधा दिया जाएगा और इनके अलावा यहाँ पे पार्किंग लॉट भी है। तो पूजा सामग्री लेकर ये सिंह द्वार होते हुए हम बढ़ चले मंदिर के अंदर की ओर। अंदर जाते हुए ये फूल मिले तो जरूर ले लीजिएगा, सुना है माँ को ये बहुत पसंद है। आगे उस गेट के अंदर से ही पूजा का लाइन शुरू होता है, बेसिकली ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर ही लाइन लगाना है कुछ इस तरह से। एक बहुत ही शर्म की बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, इतने सुंदर लाइन के बंदोबस्त रहने के बाद भी कुछ सज्जनों को हमने ये बैरिकेड के बीच में से आर पार होके लाइन बंक करते हुए देखा है, एक नहीं कई मरतबा। क्या यार, माँ के दरबार में आके भी चीटिंग। तो आप अगर आ रहे हो तो प्लीज ऐसे हरकत मत करना अगर मौका मिले भी तो। यहाँ पे ऐसे हजारों बकरियों की बलि हर रोज माँ छिन्नमस्तिका को उत्सर्ग किया जाता है और यहाँ ये लाइन में खड़े होकर अब मंदिर के पीछे का ये नजारा उपभोग कर सकते हो, जहाँ पे ये दामोदर के ऊपर भैरवी नदी आके गिर रहे राजरप्पा फॉल्स के रूप में। ये माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, 10 महाविद्याओं का एक विद्या है, काली, तारा, धुमावती, बगलामों की और माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या के एक विद्या है। पंचम स्थान छिन्नमस्तिका जिनका मस्तक कटा हुआ है, अपने फटा हुआ सर को बाएं हाथ में लिए हुई है, दो उनकी सहचरी है, एक डाकनी और एक वर्णिनी। और ये सिद्धपीठ होता है दो नदियों का संगम स्थल है, भैरवी और दामोदर, जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है उत्तर वाहिनी की ओर, दामोदर नीचे और भैरवी ऊपर है, दोनों का संगम स्थल है। त्रिकोण मंडल में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर विराजमान है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के 16 अक्षर का मूल मंत्र है, श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वै रोचनी हों हों फट स्वाहा। पुत्र प्राप्ति कामना हेतु के लोग आकर मनोकामना बांधते हैं, पत्थर डाल बांधते हैं, या नारियल की बलि होती है, बकरे की बलि बहुत काफ़ी होती है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत सभी के कुलदेवी छिन्नमस्तिका होने के आसपास के लोग जितने हैं इस दरबार में कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे शादी हो, विवाह, मुंडन हो, जो भी हो, जने हो, पहले माँ के दरबार में आके अपने विधिवत पूजा पाठ करते हैं, भगवती से आशीर्वाद मांगते हैं और अपना मंगल कार्य करते हैं। इस तीर्थपीठ पर दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पर आकर सभी प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, जप तप हवन करते हैं। नवरात्र में 7 दिन नवरात्र आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और भगवती के दरबार में आकर अपना आशीर्वाद लेंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। बड़े बड़े साधक लोग आते हैं जो तांत्रिक घाट में बैठते हैं, चारों तरफ वीरान
आपका इधर जंगल ही जंगल है, साधुओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। माँ के दरबार में प्रतिदिन नित्य तीन समय संध्या आरती होती है, भोर में प्रातः 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को श्रृंगार और आरती होता है 7 बजे, हेड होता है। प्रत्येक दिन माँ के दरबार में पंचवटी में भंडारा का आयोजन किया जाता है, विशेष रूप में विशेष तिथि में और भी विस्तार रूप से किया जाता है, बाकी सामान्य दिन खिचड़ी का ही व्यवस्था रहता है। और अब माँ के इस रूप के पीछे की कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं। माँ के अपने ही हाथ में खुद का कटा हुआ सर, बहते हुए रक्त के 3 धाराएं, जिनमें से 2 धाराएं 2 सहेली के और 1 अपने ही कटे हुए सर के मुंह में पतित हो रहा है। उनके पैरों के नीचे काम और रति विपरीत दिशा में शहीद थे। मान्यता है कि माँ भवानी एक दिन मंदाकिनी नदी में अपने ही 2 सहेली डकिनी और बर्निनी के साथ स्नान पे गए थे और वहाँ पे उनके 2 सहेली के हालत भूख से खराब हो रहा था, तो माँ ने अपने ही सर काट कर उन दोनों को रक्त पिलाए और जो 3री धाराएं थे वो जमीन में गिरकर संसार का अनर्थ ना हो इसलिए उन्होंने अपने ही कटे हुए सर से उसको पीने लगा था। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, माँ छिन्नमस्तिका यहाँ पे 10 महाविद्या के 5वें महाविद्या के रूप में विराजमान है और ये मंदिर शक्तिपीठ के अहमियत के हिसाब से 2रे स्थान पर है, मतलब आसाम में अवस्थित माता कमरूप कमख्या के बाद ही। और ये जगह खास तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। तो माता छिन्नमस्तिका का दर्शन तो हो गया, अब इसी मंदिर परिसर में अवस्थित बाकी अहम मंदिरों के बारे में भी जानना है और देखना है। यहाँ पे ये एक बड़ा सा शिवलिंग है, ये मेरे सामने है सूर्य देवता के मंदिर। सूर्य देवता मंदिर के बगल में ही है ये माँ दुर्गा का मंदिर। यहाँ ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति है जिन्होंने इस मंदिर का संस्कार किया था। कथित है ये मंदिर 6000 साल पुराना है और विश्वकर्मा जी का देन है, मतलब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। दक्ष प्रजापति जो है, हाँ, सो जग कर रहे थे, हाँ, और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए जी, और सती बोल रही थी कि हमको जाना है, सभी परिवार से भेंट होगा, और शंकर जी बोल रहे थे भाई बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। क्रोध में आ गई, अरे क्रोध में जो है सो 10 दिशा में 10 महाविद्या के रूप में चारों तरफ से उनको भेज, और उसी में एक बात धूमावती का रूप है तो उनको खा भी गई। देवी महामाया के 10 महाविद्याओं में से 8 रूपों के मंदिर है यहाँ पे और बाकी 2 यानी छिन्नमस्तिका और दक्षिणा काली के मंदिर है दूसरे तरफ। तो आइए थोड़ा सा जानते इस बारे में। सृष्टि को बचाने के लिए जो है सो अपना गला काटी है यहाँ और छिन्नमस्ता से प्रसिद्ध हुई है। ये राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है और बाकी उनका 9 रूप जो है सो बनाया गया है, जैसे शनि देव के दक्षिणाकाली, बृहस्पति के माँ तारा, शुक्र के जो है सो माँ भुवनेश्वरी, राहु के छिन्नमस्ता और केतु के धूमावती, बुध के माँ भैरवी और मंगल देवता के जो है सो माँ बगलामुखी अधिष्ठात्री है और सूर्य देवता के माँ मातंगी है और चंद्रमा के जो है सो माँ अखंडा है। ये 9 ग्रह के गुरु है। अच्छा, जब चेला बदमाशी करे तो गुरु को पकड़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। माँ कमला, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ षडोशी, माँ तारा और इन 8ों से थोड़े ही दूर माँ दक्षिणा काली। यहाँ ये शंकर भगवान जी का मंदिर है। कथित है राजा रज और उनके पत्नी रप्पा ने पुत्र प्राप्ति हेतु इस मंदिर में पूजा किए थे, उसी से शायद राज रप्पा नामकरण। इस प्राचीन मंदिर के महत्व सही से वर्णन कर पाना हम जैसे तुच्छ इंसान के बस की बात नहीं, तो आप आइए जरूर एक बार माँ के दरबार में माथा टेकने। पेड़ा बड़ा प्रसिद्ध है ये रज रप्पा में, इसे लेना मत भूलना। काफ़ी अच्छे से हमारे पूजा हो गए और मंदिर भी दर्शन हो गए और यहाँ से अब निकलना भी है,
तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे इस झारखंड सफर के अगले एपिसोड में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। जय माची नमस्तिका।